जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह गिटहब को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ और ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो मैंने जो आपको हर दफ़ा यूज़ करनी पड़ती हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। वहाँ पर इसका नाम मैं देता हूँ गिट वर्क और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें राइट क्लिक करके मैं गिट बैश ओपन कर लेता हूँ। गिट बैश आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पर इंस्टॉल होना चाहिए। तो सर फर्स्ट स्टेप इज़ कि गिट INIT गिट इनिशलाइज कराते हैं हम। तो जैसे इनिशलाइज कराएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब हमने अपना गिट जिस रिपोजिटरी जो भी रिपोजिटरी है जिसमें हमने काम करना है तो उसके कोड में जाके यहाँ पे ये चीज़ हमें कॉपी कर लेनी है ये, और हमने अब रिमोट ओरिजिन ऐड कर देना है। गिट रिमोट गिट ऐड रिमोट ओरिजिन और ये सॉरी हम उलट कर गए हैं शायद गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन ऐड हो गया, मतलब अब इस वेरिएबल के अंदर ये एड्रेस स्टोर हो गया। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि हमने पुल कर लेना है, ठीक है। गिट पुल ओरिजिन, हमने ओरिजिन से डेटा पुल करके अपनी इस रिपोजिटरी के अंदर हमने सेव करना है। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ जब तक ये पुल होता है। जी तो अब हमारा पुल जो रिक्वेस्ट हो गई, एक्चुअली हमने लास्ट टाइम गलती कर दी थी, हमने लिखा गिट पुल ओरिजिन, ये नहीं लिखना था, हमने कहना था गिट पुल ओरिजिन। हम ये भी बताना था कि हम कौन सी ब्रांच में से पुल करना चाह रहे हैं, क्योंकि मास्टर ब्रांच है और वहाँ पे एक और ब्रांच लीक ब्रांच भी है, तो ये यहाँ पे एक एरर आ रहा था। तो इस वजह से मैंने अब जब इसे कहा कि गिट पुल ओरिजिन मास्टर, तो उसने मास्टर ब्रांच से सारा डेटा यहाँ पे पुल कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, ये स्टेप होता है जस्ट फर्स्ट टाइम, यानी एक दफ़ा आपने पुल कर लिया, आपने रिपोजिटरी में आ गया डेटा, बस अब ये स्टेप हर दफ़ा परफॉर्म नहीं होना। उसके बाद हमने देखना है कि अब हमने पुल कर लिया, पुल करने के बाद हमने अपनी एक ब्रांच क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। एक ब्रांच क्रिएट करेंगे ताकि कभी भी हम डायरेक्टली मास्टर ब्रांच के अंदर काम नहीं करते, हमने एक अपनी ब्रांच क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांच हो सकती है, आप ब्रांच अपने वर्क के हिसाब से भी दे सकते हैं, अपने नाम से भी दे सकते हैं, इट्स माय ब्रांच, इट्स जैसे मैंने अपने एक ब्रांच के नाम से एक ब्रांच रखी हुई है, मैं अपना सारा काम उसी ब्रांच में करता हूँ, इस ब्रांच को फिर मैं अपनी मास्टर ब्रांच में मर्ज करता रहता हूँ। तो हम उसके लिए गिट चेकआउट और इसके अलावा चेकआउट के साथ हमने लिखना है -b-b और आगे ब्रांच का नाम हमने लिखना है, ब्रांच का नाम जैसे कि अली ब्रांच, और मैं इसको जैसे करता हूँ तो आप देखें कि अब मैं अली ब्रांच में मूव कर चुका हूँ। अब ब्रांच मैंने क्रिएट कर ली है, अब मैं अपना काम करूँगा, इसमें जो भी चेंजेस करनी है, जो भी है, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस रूट वाली फाइल के अंदर जाके एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ छोटा सा, और मैं यहाँ पे कमेंट ऐड करता हूँ, दिस इज़ कमेंट टू अपडेट द फाइल व्हाटएवर, इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे अच्छा अब मैं गिट स्टेटस देखता हूँ तो आप देखेंगे कि अब एक फ़ाइल मैंने चेंज की है रूट्स वाली, तो उसमें अभी मॉडिफाइड है। अभी मैंने इसको क्या करना है, अभी एक गिट ऐड की कमांड होती है, ये ऐड की कमांड इसलिए हम लगाते हैं कि अगर हमने कोई नई फाइल ऐड या रिमूव की हो तो वो ऐड या रिमूव ऑटोमेटिक हो जाती है, तो इसलिए कन्वेंशनली मैं इस कमांड को यूज़ कर लेता हूँ। अगर कोई फाइल आपने ऐड रिमूव की होगी तो उसको वो एंटरटेन कर लेगा। नेक्स्ट जो है, अब मैंने अभी भी अगर देखूँ गिट स्टेटस चेक करूँ तो अभी भी मेरी ये वाली फ़ाइल जो है वो मॉडिफाइड है, लेकिन अभी इसको मैंने सेव करना है। गिट कमिट -m आई हैव एडेड अ कमिट इन रूट्स फाइल। तो मैं अब इसको कमिट करता हूँ और गिट स्टेटस चेक करता हूँ तो आप देखिए नो नथिंग टू कमिट, अब कुछ भी कमिट करने को नहीं है क्योंकि कमिट कर दिया है मैंने। अच्छा ये काम भी हो गया। अब इसी तरह आप काम करते रहें, कमिट करते रहें, काम करते रहें, कमिट करते रहें। जब आपने सारा काम कर लिया अब आप क्या करें, गिट चेकआउट मास्टर, मास्टर में आ जाए, हो गिट चेकआउट मास्टर, मास्टर में आ जाए। अब मास्टर ब्रांच में हम आएँ तो हमने सबसे पहला काम ये करना है गिट पुल ओरिजिन मास्टर, यानी कि हमने मास्टर से पहले क्या करना है, पुल करना है। ये इसलिए कि अगर कोई और बंदा भी साथ साथ काम कर रहा होगा और उसने मास्टर को अपडेट किया होगा तो जब हम पुल करेंगे तो अब रिसेंट मास्टर हमारे पास आ चुकी होगी और अब हम अपनी गिट चेकआउट अली वाली जो हमारी रिपोजिटरी है उसमें चेकआउट कर जाएंगे। अब हम अली में आ गए, अब हम करेंगे गिट मर्ज मास्टर, यानी कि अपनी को मास्टर में मर्ज करेंगी,
जैसे मर्ज किया तो अप टू डेट का आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ, इसको मैं रिफ्रेश करूँ, तो अच्छा अभी हमने पुल नहीं किया, गेट पुश, और इसको मैं पुश कर देता हूँ। अब एरर आ रहा है, गेट पुश सेट अप स्ट्रीम ओरिजन अली ब्रांच। तो ये वाली कमांड वो मुझे बता रहा था कि आप इसके ज़रिए करें, तो जैसे मैंने किया तो आप देखें यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी कि जो चेंजेस मैंने की थी वो यहाँ पे आ गई हैं। अब जो भी इस रिपोजिटरी को मैनेज कर रहा होगा वो उसको देखेगा किसने, देखो एक चेंज थी यहाँ पे आ रही है, ठीक है, एक ही चेंज मैंने की थी तो यहाँ पे आ रही है। मैं देखूँगा जो भी इस बेसिकली मास्टर ब्रांच या जो भी इस गेट का ऑनर होगा वो देखेगा कौन कौन सी चेंजेस भाई इसमें आई हैं, इस रिक्वेस्ट में कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। अच्छा एक चेंज आई है, ठीक है भाई, इसको क्रिएट कर देते हैं पुल रिक्वेस्ट को, और इस क्रिएट करने के बाद हम इसको मर्ज कर देते हैं, और मर्ज करेंगे तो क्या होगा, मर्ज जैसे ही करेंगे तो हमारी राउट्स वाली फ़ाइल क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। अब मैं इसमें जाता हूँ तो राउट्स वाली फ़ाइल को जाके देखता हूँ, और आप देखेंगे उसमें ये कमेंट जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी मतलब अब मज़ीद मुझे एक नया टास्क मिला है कि अब मुझे दो तीन पेजेस को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब दोबारा अलीबाबा ब्रांच अली ब्रांच में हूँ, तो मैं उसमें वर्क करता रहूँगा जब सारा काम मैं कर लूँगा। अब बारी क्या आएगी फिर इन्हीं स्टेप्स की। सबसे पहले स्टेप मैं क्या करूँगा उसको ये करूँगा कि अपने काम को सेव करूँगा, यानी कि पहले ऐड करूँगा और फिर उसको कमिट करूँगा, सेव हो जाएगा। फिर मैं मास्टर में पुश कर चेकआउट कर जाऊंगा, मास्टर से मैं पुल कर लूंगा, ताकि अगर किसी और बंदे ने मास्टर को अपडेट किया होगा तो उसमें से जो रीसेंट अपडेट्स होंगी वो मेरे पास आ जाएंगी लोकली। जब रिसेंटली अपडेट्स आ जाएंगी तो मैं दोबारा अपनी रिपोजिटरी में आ जाऊंगा जिसमें मैंने काम किया था, ठीक है। यहाँ पे सॉरी किधर गया मेरा कर्सर, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरी वाली जो चेंजिंग होंगी मैं अपनी उसमें मर्ज कर दूँगा, और मर्ज करने के बाद मैं उसको गिट पुश कर दूँगा। गिट पुश भी कर दें, अगर पुश पे एरर आए तो आप इस कमांड की मदद से आप उसको ब्रांच में बता सकते हैं कि मैं इस ब्रांच को पुश कर रहा हूँ, और पुश हमेशा आपने अपनी ब्रांच में करना है, ठीक है, मास्टर में पुश नहीं करना बिल्कुल भी। और जैसे आप अपनी ब्रांच में पुश करेंगे तो वो यहाँ पे रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी, और जो भी इस रिपोजिटरी का ऑनर होगा वो उसको मर्ज करता रहेगा। तो होप आपको समझ आ गया होगा, अगर ना आया हो तो मुझे बताना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा।